नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। और एशियाई बाजार सबसे पहले देखिए, यहां पर गिरावट हावी होती हुई देखेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले एसजेक्स निफ्टी करीब 133 अंकों की भारी गिरावट के साथ फिलहाल यहां पर ट्रेड हम देख रहे हैं 17,470 के आसपास फिलहाल यहां पर ट्रेड आप देख पाएंगे। एशियाई बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ होती हुई 17,500 के नीचे फिलहाल एसजेक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ निक्केई भी 0.25% की कमजोरी दिखाते हुए करीब 452 अंकों की गिरावट, अब 1.5% की कमजोरी निक्केई में आती हुई 29,000 के लेवल्स के आसपास यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। 0.5% की तेजी डाउ फ्यूचर्स में भी 174 अंक टूटकर 33,537 पर डाउ फ्यूचर्स में कामकाज। चीन और हांगकांग के बाजार में आज छुट्टी है, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत जो यहां पर बिकवाली के दबाव के साथ होती हुई एसजेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट, निक्केई में करीब 1.5% की बिकवाली। बीती रात अमेरिकी बाजार में तेज गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड होता हुआ दिखा। डाउ में 550 अंकों की गिरावट दिखी तो नैसडैक भी लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से फिसलता हुआ हम देख रहे हैं। इस भारी बिकवाली के पीछे की वजह क्या है, विस्तार से समझते हैं विदेशी बाजार के संकेत दीपांशु भंडारी से। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत, गिरावट आज हावी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। और कमजोर संकेत आते हुए दिख रहे हैं, हालांकि इनकी वजह भी एक सिग्निफिकेंट है कि एक तो क्वार्टर एंड था, मंथ एंड था, साथ ही यूएस में फाइनेंशियल ईयर एंड था, तो काफ़ी सारी रीबैलेंसिंग होती है फंड्स की, पोजीशंस की, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं वजह थी, बाजार भी थोड़े सुस्त ही दिख रहे थे, पर जैसा कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे और हम देख रहे थे कि डाउ फ्यूचर से बढ़िया सहारा आ रहा था, 150-200 पॉइंट्स की तेजी थी, उसके सामने अगर आप देखें तो डेफिनेटली काफ़ी कमजोर आपको संकेत आते हुए दिखे। और कल की भारी गिरावट के बाद आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स, S&P 500 फ्यूचर्स आपको गिरावट दिखा रहे हैं। पॉइंट वाइज दिखेगी, परसेंटेज वाइज देखें तो करीब 1.5% की गिरावट कल दिखी और आज सुबह करीब 0.5% आपको नीचे दिख रहे हैं, और इसी का इंपैक्ट आप एसजेएक्स निफ्टी पर भी देख रहे हैं। फिलहाल 150 अंक नीचे करीब 1% की गिरावट आती हुई। अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ऑफकोर्स जो मंथ खत्म हुआ है और जो तिमाही खत्म हुई है वो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से सबसे खराब थी, यानी कि मार्च 2020 के बाद अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब महीना रहा है और सबसे खराब तिमाही आपको आती हुई दिखी है। डाउ 550 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, S&P 500 1% नीचे था, नैसडैक 0.5% नीचे था, रसल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उनका वो करीब 1% नीचे था। अच्छी बात यह है कि बॉन्ड यील्ड पिछले 2-3 दिनों से 1.5% के पास स्टेबल है, एटलीस्ट वहां से कुछ ज्यादा बड़े मूव्स नहीं आते हुए दिख रहे हैं। पर हाँ, S&P 500 के लिए अगर आप देखें तो 7 महीनों में पहली बार आपको मंथली गिरावट देखी और पिछले महीने करीब 4.5% से 5% की गिरावट आपको अक्रॉस यूएस मार्केट्स आती हुई दिखी है। तो सितंबर का महीना अच्छा नहीं रहा, स्पेशली सेकंड हाफ में जिस तरह से गिरावट आती हुई दिखी है। कल के एक्शन की बात करें तो S&P पर 11 में से 10 सेक्टर्स आपको गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स यहां पर आपने सबसे ज्यादा दबाव आते हुए देखा है, हालांकि लगभग सभी सेक्टर्स पर आपने दबाव कल देखा था। कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि मैं बता रहा था, एक तो मंथली ईयर एंड क्वार्टरली रीबैलेंसिंग थी, इसके अलावा अगर आप देखें तो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे बढ़कर आए हैं, अनुमान 3,30,000 का था उसके सामने 3,62,000 के आए हैं, तो यहां से एक थोड़ी नेगेटिविटी आपको आती हुई दिखी। बाजार बंद होने तक यूएस की कर्ज सीमा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, पर अच्छी बात यह है कि बाजार बंद होने के बाद कर सीमा को बढ़ाने के लिए तो नहीं फैसला लिया गया, बट आंशिक लॉकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए, शटडाउन को प्रिवेंट करने के लिए एक बिल पास कर दिया गया है। अब 3 दिसंबर तक यूएस में शटडाउन नहीं लगेगा, तो तब तक का टाइम है कि कर सीमा पर कोई डील बन जाए, तो एटलीस्ट ये एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, हालांकि बाजार इस पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आज पर्सनल कंजम्पशन डेटा आने वाला है, महीने की शुरुआत है तो आने वाले दिनों में काफी सारा डेटा यूएस से आएगा जहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप में भी आपने दबाव देखा, करीब 0.5% फिसले हैं यूरोप के बाजार। कच्चा तेल कल स्टेबल दिखा है, 78.5 के पास ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है, वहां पर कोई बड़ी मूव नहीं है। सोने में बढ़िया रिबाउंड था, 2% उछलकर आया, तो थोड़ा अब रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आपको बाजार में वापस आते हुए दिख रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स 1 साल की ऊंचाई से फिसला है, तो ओवरऑल 3-4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस बाजार, ग्लोबल बाजार काफी सुस्त है।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी और कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है, इसका असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा इसे समझना जरूरी है। लेकिन अब कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया देखते हैं। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन आप देखिए जहां पर FIIs बिकवाली कर रहे हैं। कैश मार्केट में FIIs ने 2226 करोड़ की बिकवाली की है, वायदा बाजार में FIIs ने 1114 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं DIIs ने कैश मार्केट में करीब 100 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं। तो FIIs की बिकवाली के आंकड़े कमजोर विदेशी बाजार के संकेत, इन तमाम संकेतों को लिए चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज भारतीय बाजार में पहली रणनीति क्या बनाई जाए, आउटलुक कैसा नजर आ रहा है। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। नई सीरीज की शुरुआत ही है और विदेशी बाजार से कमजोरी के संकेत है, FIIs की बिकवाली के आंकड़े हैं, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, सर आज क्या करना चाहिए? देखिए मानसी, आज नई सीरीज की भी शुरुआत है और हफ्ते का आखिरी सेशन भी, और संकेत कमजोरी के हैं क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद हुए तो काफी कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे तो ऐसा लगा कि कहीं कहीं एक्सपायरी की वजह से भारतीय बाजारों में दबाव है। लेकिन वाकई में जिस तरह की कमजोरी हुई अमेरिकी बाजारों में 500 पॉइंट से ज्यादा की, और प्लस फ्यूचर्स को अगर एडजस्ट करके देखें तो भारतीय बाजारों का आज इस पर रिएक्शन जरूर आना चाहिए और उस लिहाज से कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार आपके लिए जरूर बनते हैं। मेरे ख्याल से 17,500 के आसपास शुरुआत हो सकती है, उसके बाद हम देखेंगे वहां से बाजार किस तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ओवरऑल जो रुझान ग्लोबल मार्केट से आता दिख रहा है वो दो संकेत साफ है, एक उतार चढ़ाव के और दूसरे कमजोरी के। जहां तक FIIs के डेटा का सवाल है, कल के सेशन में काफी कुछ एडजस्टमेंट एक्सपायरी की वजह से थे तो, लेकिन उसको हटाकर अगर पिछले 3-4 सेशन से देखें तो बिकवाली का प्रेशर FIIs की तरफ से है ही। तो अब आपके लिए आज जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 17,400 से लेकर 17,500 की रेंज, यहाँ पर सपोर्ट है। इस रेंज में कहीं कहीं आप थोड़ा रुकने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे जाने पर थोड़ी कमजोरी और बढ़ सकती है। ऊपरी स्तरों पर 17,750 आपके लिए रुकावट की जगह है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है। बैंक निफ्टी ने कल 37,500 के आसपास क्लोजिंग दिए तो हाल ही के दिनों की लोअर क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी हमें मिली है, तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा और दबाव दिख सकता है। 36,850 के आसपास ये बैंक निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट होगा और ऊपर की तरफ आप 37,750 से लेकर 37,900 तक के लेवल बैंक निफ्टी पर आते हुए देख सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की उम्मीद करनी चाहिए। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो क्लियरली आपके पास पहली स्ट्रेटजी यहां पर तैयार है, 17,400 से 17,500 निफ्टी के लिए ये मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, इस पर नजर रखें। और साथ ही निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज की अगर बात करें, 17,700 से 17,750 की रेंज जो है वो निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी के लिए 37,750 से 37,900 इस दायरे को ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। तो ये तो हुई स्ट्रेटजी की बात, विदेशी बाजार के संकेत हम देख रहे हैं और FIIs की सेलिंग के आंकड़े हैं। इन तमाम संकेतों पर आगे भी क्या करना है, हर स्ट्रेटजी पर फोकस जरूर कीजिएगा क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत आज से होती हुई दिख रही है, आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है और कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं, तो ऐसे में हर रणनीति को समझना काफी इम्पोर्टेंट है। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता चेतन भुटानी। चेतन, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर है, उसके मायने क्या है और हमें कहां पर फोकस करना है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, ये जो खबर है ये MRPL के लिए बहुत सिग्निफिकेंट खबर है। इस कंपनी का जो कोची मैंगलोर पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, जो गैस मॉडिफिकेशन टर्बाइन है, उसका एक काम जो काफी टाइम से पेंडिंग था वो अब पूरा हो चुका है, जिससे कंपनी की जो रोजाना पाइपलाइन से जो गैस निकालने की क्षमता है वो लगभग 1 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे अब हो चुकी है। हमारे सोर्सेस हमको बता रहे हैं कि जो ये गैस है वो दो तरीके से मदद करेगी MRPL की कोची मैंगलोर पाइपलाइन को, जिस तरीके से काम करती है उसकी यूटिलाइजेशन लेवल्स और उसके रिफाइनिंग मार्जिन लेवल्स को इम्प्रूव करेगी। जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो आने वाले समय में हम देख सकते हैं लगभग दुगने से ज्यादा हो सकते हैं, $2.5 to $3 पर बैरल इस साल वो अचीव कर पाएंगे। और अभी क्योंकि पिछले साल उन्होंने 0.70 बैरल लास्ट ईयर अचीव किया था रिफाइनिंग मार्जिन के आसपास, तो यूटिलाइजेशन लेवल जो है लगभग 82% से लेकर 100% तक ये कोची मैंगलोर गैस पाइपलाइन अपना अचीव कर सकती है यूटिलाइजेशन लेवल। तो आने वाले समय में MRPL के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है और रिफाइनिंग मार्जिन है दोनों इतने सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ रहे हैं।
और हमारे सोर्सेस हमको बता रहे हैं कि इसको जो गैस क्वांटिफिकेशन जो टाइमलाइन जो पाइपलाइन का टाइम था वो भी आगे बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये MRPL को काफी फायदा करेगा। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से इम्पोर्टेंट है और ट्रिगर्स कौन से हैं जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं आज खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा। गुड मॉर्निंग मानसी, तो आज सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करता हूं। ट्रिगर्स में तो आज 8 स्टॉक है जो कि एफएनओ का हिस्सा बनने वाले हैं, तो इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, जैसे कि अबॉट, पीजी कंज्यूमर, दालमिया भारत, डेटा पावर, तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े जो है वो आज से आना शुरू हो जाएंगे, तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स जो है वहाँ पे नजर रखेगा। टाटा मोटर्स गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमत जो है वो आज से लागू हो जाएगी। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होने वाली है, इशू प्राइस 175 का रखा गया है था, और जो सब्सक्रिप्शन है रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन देखने मिला था 304.26 टाइम्स का। टेलीकॉम कंपनी को AGR पेमेंट में 4 साल का जो मॉरेटोरियम है वो आज से शुरू होने वाला है, और कर्नाटका में सिनेमा हॉल जो है वो आज से पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, तो इसके लिए जितने भी मल्टीप्लेक्स काउंटर्स है वहाँ पे नजर रखिएगा। आदित्य बिरला सनलाइफ AMC आज IPO का आखिरी दिन है, अब तक करीब 1.08 टाइम्स ही IPO भरा है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है वो करीब 2 टाइम्स के आसपास करा है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस कंपनीज यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि एक बार फिर से जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। जो गैस की कीमतें हैं उसमें करीब 62% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, $1.79 प्रति MMBTU से बढ़ा के $2.9 प्रति MMBTU का किया गया है, और इसके चलते CNG के दाम जो है 10-15% के आसपास बढ़ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जो डिफिकल्ट फील्ड्स है उसके दाम में 84% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और इसको $3.62 से बढ़ा के $6.13 प्रति MMBTU के आसपास रखा गया है। मारुति, यहाँ पे इस कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के चलते अक्टूबर में भी उत्पादन जो है उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। हरियाणा और सुजुकी के गुजरात प्लांट में उत्पादन जो है उस पर असर पड़ सकता है। सामान्य का सिर्फ 60% के आसपास का उत्पादन जो है वो रह सकता है, अक्टूबर महीने में 40% के आसपास यानी कि उत्पादन जो है वो घटने वाला है। फिलिप कार्बन बोर्ड ने कल शाम QIP खोलने की मंजूरी दे दी है। फ्लोर प्राइस जो है ₹255.85 प्रति शेयर का रखा गया है, यानी कि कल के क्लोजिंग से 4% के आसपास का डिस्काउंट है, और फ्लोर प्राइस पे अतिरिक्त 5% के आसपास का डिस्काउंट जो है वो भी संभव है। DLF और साथ ही साथ बाकी जो दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है वहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो सर्कल रेट्स में कटौती की थी 20% के आसपास की, उसको 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। NBCC नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस कंपनी को करीब 96.48 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। GR इंफ्रा लुधियाना रूपनगर नेशनल हाईवे के लिए इस कंपनी को 951 करोड़ का एक तगड़ा ऑर्डर मिला है। और वेल्सपन कॉप यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि सऊदी अरब के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने EPIC के IPO को मंजूरी दी है। EPIC यानी कि ईस्ट पाइप इंटीग्रेटेड कंपनी फॉर इंडस्ट्री, वेल्सपन कॉप की JV कंपनी EPIC में करीब 50% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो इसके चलते इस कंपनी को भी आपको नजर। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो आज के दिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी ढेर सारा रहेगा, कई सारे शेयर्स हैं जिस पर फोकस और सेक्टर्स पर फोकस खबरों के दम पर हमें रखना होगा। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है, चलिए देख लेते हैं। तो DLF के अंदर क्या करना है आपको, 420 की कॉल आपको लेनी है, ₹26.50 पे लास्ट क्लोजिंग है, वो जो आप लीजिए, नीचे मिलने तो और अच्छा है। स्टॉप लॉस लेकिन रखिए 21 रुपए का, उसको आपको नीचे नहीं करना है, प्राइस ऊपर बढ़ेगी आप ऊपर उसको जरूर कर सकते हैं, टारगेट आपका रहेगा 33 रुपए। DLF SRF दोनों पर ऑप्शंस की रणनीति खरीदारी की, DLF 33 रुपए के टारगेट्स के साथ यहां पर 21 का स्टॉप लॉस लगाकर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 420 की कॉल खरीदने की राय, वहीं SRF अक्टूबर 11 500 के कॉल को खरीदने की राय, 5 एंड 5 के टारगेट्स 375 का स्टॉप लॉस। आज के लिए 4 इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स,
खरीदारी का मन बना सकते हैं आप ट्रेंट और वोल्टास में। सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है कि ट्रेंट को अगर खरीद कर चलते हैं 1060 के लक्ष्य को मानकर चले 1008 का स्टॉप लॉस लगाए। वोल्टास 1255 के टारगेट को मानकर चले 1201 का स्टॉप लॉस लगाए। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय अशोक लेलैंड पर है, 140 के टारगेट्स को मानकर चले 126 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और चॉइस ब्रोकिंग की राय एसबीआई लाइफ पर है, 1250 के लक्ष्य को मानकर चले 1119 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चार ट्रेडिंग कॉल्स, दो ऑप्शंस की रणनीति, खरीदारी की राय 6-6 में आती हुई। चलिए अब हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं, उनसे इक्विटी मार्केट्स पर बात करते हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हम देख रहे हैं कमजोरी विदेशी बाजार से तो आ रही है, नई सीरीज की शुरुआत पर आज भारतीय बाजार का आउटलुक आपके हिसाब से क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी, देखिए हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा वीकनेस वाला पैटर्न बना है, क्योंकि अगर आप कल के दिन में भी अगर आप देखें तो मार्केट में जब रिकवरी आई थी तो उसमें हमने एक सेल ऑफ देखा था और मार्केट अपने दिन के लोवेस्ट लेवल्स पे बंद हुए थे। और आज अनएक्सपेक्टेडली जो यूएस मार्केट में हमने बड़ा फॉल देखा है तो उसके पीछे हम एक लोअर ओपनिंग देख सकते हैं। बट चूंकि ये जो ओपनिंग है वो अगर काफी अगर नीचे अगर होती है, जैसे कि 160-150 पॉइंट अगर सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है, अगर वैसे ही अगर अपनी अपने अगर मार्केट की शुरुआत अगर होती है तो हमें लगता है कि शायद ये जो 17,430 के जो लेवल्स है यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट काफी फिर नीचे खुलेगा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब भी खुलेगा। मार्केट में 20 दिन का जो एवरेज होता है वो काफी इम्पोर्टेंट वर्क करता है और इसी वजह से हमें लगता है कि लोअर ओपनिंग के बाद हमें कुछ एक स्टॉक्स में अगर हम खरीदारी करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद एंड ऑफ द डे हमें उसमें एक रिकवरी देखने मिलेगी। और इसी वजह से हमें लगता है कि ये जो सीरीज है यहाँ पे हमें लगता है कि जो लोअर लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 17,300-17,000 के वर्स्ट केस सिनेरियो में, और ऊपरी लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे 17,800-18,000 के। तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करके चलना है वो बात क्लियर है, बट सिलेक्टिव स्टॉक्स को बाय कीजिए। स्पेसिफिकली हमें लगता है कि स्टील अथॉरिटी पे हम एक लॉन्ग का पोजिशन बना सकते हैं, 115 के करीब का बंद है, 112-113 के करीब अगर इसे बाय करके चले, 110 का स्टॉप लॉस रखें, 120-122 के टारगेट हमें नजर आते हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी की बन सकती है, आने वाले हफ्ते में बन सकती है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे फोकस करें, क्योंकि वहाँ हमें अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड है। 1350 के करीब टेक महिंद्रा को बाय करके चले, 1300 का स्टॉप लॉस रखें, 1400-1430 के टारगेट हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया आपने रेकमेंडेशन बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, एनर्जी पैक और साथ ही बेस मेटल्स पर आपकी स्ट्रेटजी है, क्या क्या स्ट्रेटजी है बताएं प्लीज। जी गुड मॉर्निंग मानसी, काफी उठापटक वाला माहौल है यहाँ पे, और जिस तरीके से चाइना में एवरग्रैंड का फॉलआउट आया है उससे भी एक झटका लगा है कमोडिटी को, और जॉबलेस क्लेम बढ़ के आने का भी एक इम्पैक्ट आया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर एनर्जी पैक की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस से जिस तरीके से पावर रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं, शॉर्टेजेस चल रहे हैं, उसका एक फायदा नेचुरल गैस को मिला है, और हायर साइड से एक फॉल आया था और दोबारा ये हायर साइड की तरफ ही बढ़ रहा है, तो जो बाइंग कल थी वो आज कंटिन्यू हो सकती है। 23 के लेवल पे एक बार बाइंग करना चाहिए, 430 का टारगेट रखना होगा, स्टॉपर 420 का लगा के चलना चाहिए। उसकी कमोडिटी यहाँ पे बेस मेटल काउंटर से कॉपर है, कॉपर में मुझे लग रहा है कि अभी भी लो लगना बाकी है और थोड़ा सबसाइड आता है 700 का, तो वहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, 690 का टारगेट रखना होगा, वापस यहाँ पे 705 का लगा के चलना होगा। और जो क्यूज है वो यहाँ पे थोड़े से निगेटिव है चाइना की तरफ से, जो कि प्रेशर दे रहे हैं यहाँ पे बेस मेटल्स काउंटर को। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया आपने रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।